नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरे सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के गौरा गांव से है और ऐसी सूचना मिली है कि उनके पूजा वाले घर में कोई बहुत बड़ा सांप निकला है जो कि कलश के पास में हुड लेकर के बैठा हुआ है और कई लोग उसको देख करके काफी ज्यादा डर गए और कई लोग उसे आस्था से जोड़ रहे हैं और वहां पर पूजा पाठ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ जागरूक लोगों ने हमें इस चीज़ की सूचना दी, तो हमने उन सभी लोगों को समझाया कि वो पूजा पाठ करने का कोई ऐसा चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक जीव है, एक जानवर है जो कि गलती से इत्तेफाक से पूजा वाले घर में आ गया और कलश के पास बैठ गया। फिर भी वो लोग उस बात को नहीं मान रहे हैं, तो बिना वक्त गवाए चलिए हम लोग मौके पर चलते हैं, उस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं और सारी बात वहाँ के लोगों को बताते हैं। कैसे काम हुई फोकस बना रही थे बताओ बाबा। हट जाओ। और फिलहाल बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहले से काफी लोग भीड़ इकट्ठा हो रखी है और यहाँ पर हमें सांप भी दिखाई दे रहा है जो कि वाकई में इस पूजा वाले घर में कलश के चारों तरफ घूम रहा है, जो कि अपने आप में काफी अलग तरह का नजारा है। इसके पहले हमने इस तरह का नजारा कभी नहीं देखा। संभाल के इसको हटा सकते हैं कि नहीं? ये जो है मटका नहीं, रुक जाइए। वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ हमें लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना, और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक बार रखे गए कलश को जल्दी नहीं हटाते, मतलब पूजा वाले स्थान पर अगर कोई कलश रख दिया जाता है तो उसको नहीं हटाते। इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग बिना कलश को हटाए सुरक्षित ढंग से सांप को यहाँ से बाहर निकाल लें। पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि बिना कलश के साथ छेड़छाड़ की हम लोग उसको बाहर निकाल लें और जो एक्चुअल जानकारी, जो सही चीज़ें, लोगों को सही चीज़ बताएं, मतलब लोगों को शिक्षित भी करें लेकिन इस दौरान उनके आस्था को भी ठेस ना पहुँचे। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि बिना कलश को हटाए इसको किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। हो सकता है थोड़ा वक्त जरूर ले लेंगे लेकिन हम लोग उसको पूरा वक्त देंगे, इसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। तो जाके बैठ गए, संभाल के आराम से यहाँ का देखिए, कुछ छेड़छाड़ ना हो बचा के पूजा वाला स्थान। अब वही निकले तो खुद देख ले वाला, संभाल के आराम से। जैसे ही आसपास के लोगों को ये बात पता चली कि पूजा वाले घर में कलश के पास में कोई सांप निकला और हुड लेकर के बैठा हुआ, यानी कि फन लेकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे में लोग इकट्ठा हो गए इस चीज़ को देखने के लिए और कई लोग इसे आस्था से भी जोड़ के देख रहे हैं। और जो सांप है वो लोगों की भीड़ को देख करके बिल्कुल डर गया और ऐसे में ये कहीं भाग नहीं रहा था और हुड लेकर के बैठ जा रहा था, जिससे कि अभी तक ये ऐसे ही हुड लेकर के बैठा हुआ है। अभी हमें सामने देख के कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डर रहा है और इस तरह से हुड लेकर के अपना बचाव करने के लिए बैठा हुआ है। तो हम लोग भी इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, सुरक्षित ढंग से इसका रेस्क्यू करने का प्रयास करेंगे ताकि आस्था भी बनी रहे लोगों की। जो आस्था का प्रतीक है ये कलश, ये भी अपनी जगह पर बना रहे और जो बेजुबान जीव है वो भी सुरक्षित हो जाए। इनको बचाने के साथ साथ लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना है ना, कि मटके वगैरह हटे ना। जाने निकल जाएगा स्टिक से तब हो जाएगा पकड़ में। घुस रहा है तो घुस जाने दीजिएगा, देखिए मटका नहीं ले, मटका ना नहीं, गिर जाएगा बचा के। जो सांप है वो डर की वजह से अग्रेसिव भी हो रहा है और इसे जब जब खतरा महसूस हो रहा है तब तक ये अटैक करके वार्निंग दे रहा है, ये चेतावनी दे रहा है कि मेरे साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए। हम लोग भी इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते लेकिन हमारी मजबूरी है, इसको यहाँ से हटाने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए हमें इसको रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है। अगर हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं तो लोगों की जान का भी खतरा बना रहेगा और सांप की भी जान का खतरा बना रहेगा। अरे YouTube पे आ जाएगा, सब लोग वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो बनाने चक्कर में पड़े, बढ़िया क्वालिटी में YouTube पे आ जाएगा। हमने इन सभी लोगों को वीडियो बनाने के लिए इसलिए मना कर दिया कि कई बार लोग इस तरह की वीडियोस को गलत मैसेज के साथ वायरल कर देते हैं जो कि हमारे समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरा लपेट के बैठा है।
आराम से यार, थोड़ा पीछे हटिए, मुझे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हटिए। हाँ छोटा छोटा छोटा, आराम से आराम से निकल गया। हाँ भैया रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, हटिए हटिए, बार बार उसी में जा रहा है। अरे क्या हुआ, क्रिकेट भी है क्या? कितना तेज भाग रहा है, डरा इसे इसको देख के। चलिए हटिए हटिए भैया। थोड़ा वक्त तो जरूर लगा, लेकिन बहुत ही सुरक्षित ढंग से सांप का रेस्क्यू किया जा चुका है। ना तो सांप को किसी तरह की तकलीफ हुई, ना ही लोगों की आस्था को किसी तरह की ठेस पहुंची। हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि रेस्क्यू के दौरान सांप पूरी तरह सुरक्षित रहे, उसे किसी भी तरह से कोई भी चोट ना पहुंचे। फिलहाल हम लोग इसको रेस्क्यू कर चुके, तो अभी बिना वक्त गवाए इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं, लोगों को कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा अंधविश्वास में तो जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों को सही जानकारी देने के बाद इस सांप को बैग में पैक कर लिया जाएगा और यहाँ से ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा, जहाँ पर अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाएगा। इसको बैग में पैक कर लेते हैं। थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, शांति बनाए रखिए, शोर मत करिए, शोर मत करिए। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाने के कारण काफी ज्यादा शोरगुल हो रहा है, जिससे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दे पाए, लेकिन जितना संभव हम लोगों को सही जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे। शांति बनाए रखिए, सब लोग तब ना बता पाएंगे, शांत रहिए। एकदम नहीं, झाड़ फूक तो करवाना नहीं, सीधा आप लोगों को हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी मतलब कहीं भी अगर कोई भी सांप काटे, किसी भी तरह का सांप काटे, अगर आप पहचान रहे हैं कि ये जहरीला है, बिना जहर का है, अगर बिना जहर का तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा जाके टीटी का इंजेक्शन ले लीजिए, से सही हो जाएंगे। अगर जहरीला सांप काटा है आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, कोई अमवाक सत्यमाई नहीं तो कोई देवस्थान, सीधा हॉस्पिटल जाइए, फिर उसके बाद देवस्थान जाना, जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी सरकारी में जाएंगे फिर आपका ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्रीटमेंट होगा, और आप प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ पैसा लगेगा। कैसे पकड़ लेते हो जादू मंत्र? कोई मंत्र नहीं है भैया, पढ़ाई किए होंगे, आप लोग कोई ना पकड़िएगा मेरा देख के, अरे पास होती है उसके बाद ही आप पकड़िएगा, ट्रेनिंग लेने के बाद ही कोई भी सांप को आप टच करिएगा। पता कैसे चलेगा कि कौन सा सांप है, तो इंजेक्शन वही लगेगा या तो एक ही इंजेक्शन होता है? आप सांप का अगर फोटो खींच लेंगे तो सबसे बड़ा आपका ट्रीटमेंट का इलाज हो जाएगा। जैसे अगर नहीं पता चला कि कौन सा सांप है, अगर आप पहचान नहीं पाए, नहीं रुकिए, अगर आप पहचान नहीं पाए कि कौन सा सांप है, तो डॉक्टर सिम्टम आने का वेट करेगा कि आपके अंदर कैसा सिम्टम आ रहा है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन अगर आप लोग पहचान गए तो वेट नहीं करेगा, तुरंत आपका इलाज शुरू कर देगा। पहचाना हो कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है, आप हमारा वीडियो देखिए, गारंटी 6 महीने आप पहचाने लगेंगे, क्योंकि आपको पहचान हो जाएगा। हम लोग डिटेल में दिखाते हैं, पास से दिखाते हैं, दूर से दिखाते हैं, हर पहचान बताते हैं।
हमको कोई दूसरा सांप काटा है, आप किसी और का नाम बता दे क्योंकि ये काटा है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? ऐसा मत करो। वैसे डॉक्टर कभी करेंगे ना, अपने खुद पहचान के करें। जैसे डॉक्टर सबकी बात नहीं मानेंगे, हम लोग बताएंगे, जैसे हम लोग अगर बताते कि हमें ये सांप काटा है तब वो हमारा इलाज करेंगे, लेकिन आप बोलेंगे तो सिम्टम का वेट करें। भैया आपने कहां से जानता है कि आप एक्सपर्ट नहीं है? लंबी कहानी है, लंबी कहानी, यूट्यूब पे आ जाए, यूट्यूब पे कभी आ जाएगी। ये भैया सही है, गाजीपुर में ना, आपका मिलियन तक नहीं है क्या? चलिए आप लोग का प्यार आजमगढ़, 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 चले जाए, हो गया, थोड़ा पानी हाथ धोना, हाथ धोने के हाथ चले आप, हाथ धो और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, ये काफी बड़ा जंगल है जहाँ पर इंसानों का आना जाना बहुत ही कम होता है, जिससे कि इंसान भी पूरी तरह से सुरक्षित है और सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया, यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा, अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे ढंग से जी पाएगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लिए कमेंट करें जरूर बताएं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।